अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बकरीवाला फार्म्स एंड एंटरटेनमेंट। दोस्तों ये हमारी दूसरी वीडियो है आरके भाई के पास, आरके गोट फार्म पर। और इस वीडियो में पलाई का हम कवर करेंगे। जो आरके भाई को नहीं जानते हैं, सो पहली वीडियो में लिंक है, ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके अंदर आरके भाई का पूरा इंटरव्यू है। और उसके अलावा भी गूगल पे अगर आप जाओगे या यूट्यूब पे जाओगे, आप आरके गोट फार्म टाइप करोगे तो आप आरके भाई की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, हिस्ट्री मिल जाएगी, उनके बकरे मिल जाएंगे, उनका पूरा स्टाइल आपको मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम आरके भाई। आरके भाई माशाल्लाह बकरे आपके बहुत फ्रेंडली है, भले एग्रेसिव तो है ही पर फ्रेंडली नेचर दिख रहा है मुझे। बहुत मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में भी, बहुत खूबसूरत बकरे, मतलब जो सेट होने के बाद में बकरे खुश रहते हैं अंदर से, ऑलमोस्ट सेट है और बकरे अंदर से खुश है। जो ये नेचर दिखा रहे, जो शो कर रहे वीडियो में, अंदर से बहुत खुश है, उस वजह से ये नेचर दिखने में मिलता है मोस्टली। ये देखिए बकरे का लव, बकरे का लव देखिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये ही बकरे ऐसे हैं, सब बकरे यहाँ पे ऐसे ही है। आरके भाई थोड़ा सा दूसरे बकरों को भी हम जाएंगे, उनके ऊपर भी आपका प्यार दिखाइए। ये तो सिर्फ अलाराम है। माशाल्लाह ये सब बकरे पलाई पर है ना? हाँ, ये बकरा मेरा ही था, मैंने बेचा हूँ पलाई पे है, वो बकरा मेरा है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि मेरा बकरा है तो उसको ही लव करता हूँ, वो एक्चुअली वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो चुका है, फ्रेंडली हो, एग्रेसिव बहुत ज्यादा है। वो आया था जब मेरे पास, वो अदर अभी दो दांत का है, दो दांत का है, माशाल्लाह बहुत अच्छी फ्रेम में है। आया था बहुत छोटा था मेरे पास, और समझो आने के बाद में इतना बीमार, क्योंकि जमुनापारी बकरे है ना, सेट करना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है, तो बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। ऐसा है कि आज सल्ला गिरे कल सल्ला गिरे, तो वो चीज के वो जो चीज जाते जाते अपने पास आती है ना, तो अटैचमेंट ज्यादा हो जाता है, अटैचमेंट ज्यादा। मैं उसको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा लोगों को। इसका नाम जाफरान है, जाफरान नाम है इसका, दो दांत पर है। और फ्रेंड इसकी लेंथ देखिए, बकरे की साइज देखिए, हालांकि बकरा चार महीने से नहाया नहीं है, चार महीने से नहाया नहीं है, सफाई देखिए उसकी। तो ये अगर किसी भाई को इंटरेस्ट हो, वो लेना चाहे और आरके भाई के पास ही पलाई पर रखना चाहे, तो कांटेक्ट कर सकता है आरके भाई से। ठीक है आरके भाई, आप दूसरे बकरे देखेंगे आपके इंशाल्लाह। ये है, चलो मैं ये बता दूंगा, ये है एवरेस्ट, एवरेस्ट इसका नाम एवरेस्ट है। ये पंजाबी ब्रीड है, ये पंजाबी ब्रीड है। ये बकरा है ना, इतना मस्ती हो रहा है, ये कड़ी खोल के ना बाहर निकलता है, इधर तार बांध, तार बांध, कोई केज में तार नहीं, इसमें तार है, ये कड़ी खोल, खुद से कड़ी खोल लेता है, खुद से खोल देता है। इसका नाम जुगनू है, ये इतना फ्रेंडली नहीं है, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा ये एग्रेसिव है। अभी है कि हम लोगों से यूज टू हो गया, इसलिए थोड़ा बहुत ये नहीं करेगा, थोड़े टाइम के पास बाद में ना ये सीधा हाथ पे मारना चालू करेगा। फ्रेंड जितने भी बकरे हम देख रहे हैं सब पलाई पर है यहाँ पर। और बकरों की तैयारी देखिए, बकरों का केयर देखिए, बकरों का केज देखिए। और बकरे फुल यहाँ पे आने के बाद में मेरा तो पूरा एंटरटेनमेंट हो रहा है, बकरे जिस तरीके से मुझे देखने मिल रहे हैं, ये है माशाल्लाह, माशाल्लाह स्नोबॉल नाम है। ये बकरा भी इसको पैरालाइज हो गया, और पैरालाइज के बाद में ये ठीक हुआ। अच्छा, और ये आपके सामने उसके बाद में बहुत अच्छी ग्रोथ लिया है, नहीं बहुत अच्छा, खूबसूरत है बकरा माशाल्लाह। उसके बाल देखिए, है एग्रेसिव है ये भी, एग्रेसिव है, एग्रेसिव ये भी है, ये भी लेकिन हम लोगों के ऊपर अटैक नहीं करता अपने, यानी कि डेली आप लोग कितना उन लोग का आसपास में हो, ख्याल रख रहे हो, घूम रहे हो आसपास में, उस वजह से वो इतना फ्रेंडली नेचर में है। ये बकरा बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, ये पलाई पे, ये भी पलाई पे है, लेकिन अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं और दूसरे तरीके से ये करूंगा, देखेंगे एग्रेसिव है। ये भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, ये भी पलाई पे ही है, लेकिन ये कस्टमर को बेचना भी है, बेचना भी है। तो अपने पास पलाई पे भी बकरे है, लोगों को किसी को चाहिए तो वो पलाई पे रखे हुए और फिर बाद में उनको बेचना रहता है, तो मैं ठीक है कोई आता है तो मैं बता देता, बिक गया तो अच्छी बात है। ठीक है, ये पर्सनली घर का बकरा है, मतलब कुर्बानी का है, कुर्बानी का है इसको, तो ये बकरा भी आया था मैंने किधर और दिया था, लंग फेल,
लीवर फेल, 4 महीना हो गया, 60-65 केजी के वजन पे आया था मेरे पास। अच्छा, और अभी इसके बाद में इसके फ्रेम देखो, अभी इससे भारी पत्ती खाया हुआ, इसी भारी पत्ती खाया है, और इसकी लटक देखो ये माशाल्लाह बहुत, ये बहुत बचपन से है मेरे, बचपन से आपके पास है। मैंने इसका फोटो देखा था, बचपन का फोटो देखा था आपके पास, मंदूब इसका नाम भी मुझे याद है, अल मंदूब नाम था इसका, नाम है इसका, और बहुत खूबसूरत बकरा था, कोटा ब्रीड में है ना ये भी, कोटा ब्रीड में, बहुत जबरदस्त। इसकी ब्रीड आपने निकाले हो भाई? निकाला था, लेकिन बकरिया फिर बाद में मैंने दे दिया था। एक्चुअली एक डाउन सिचुएशन आती है ना मार्केट में, आदमी के पास हमेशा ना एक लेवल पे नहीं चलता है, बराबर ट्रस्ट करके अपन किधर दे देते, और फिर इसके बाद में हालत खराब हो जाती है जानवरों की, तो उसके बाद में भी मैं बोला चलो नहीं, आप अपनी चीजें, अपनी जितनी भी चीजें अपने पास आए मेरे नजर के सामने करें, बिल्कुल, क्योंकि मैं अभी 100% आ गया, पहले मैं नहीं था, मैं गल्फ में था, आउट ऑफ इंडिया से कंट्रोल करते थे अपने फार्म को, और अभी वो टोटली फार्म पे शिफ्ट हो गए, पड़गा में शिफ्ट हो गए, यहीं पे बकरों का ध्यान रखते हैं, संभालते हैं, और काफी अच्छा रिस्पांस मिलने लगा है आर के भाई को। पहले से जो बकरे पलाई पर आते थे, क्वांटिटी जो नंबर्स ऑफ गोट्स थे उससे ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह और प्लानिंग है, और बकरों की जगह है, और बकरे ले रहे हैं पलाई पर, इसीलिए ये मोटिव वीडियो का वही है कि पलाई पर किस तरीके से बकरे पल रहे हैं यहाँ पर इनके फार्म पर, और जिनके पास पलाई पर अभी देने के लिए बकरे आने वाले हैं, नए बकरे आने वाले हैं, उनके लिए ये मोस्टली वीडियो है, वो पलाई पर दे सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी जगह है, और आर के भाई का प्यार देख सकते हैं आप लोग। ये बकरा अभी कस्टमर का है, कस्टमर का है, मतलब अभी जो दो बकरे बताया वो वही कस्टमर का, ये भी बकरा है, उनके तकरीबन 7 बकरे हैं मेरे पास। ये बकरा ऐसा है कि कहीं और से आया था, ये फुल पीपीआर और एफएमडी में था, और अभी देखो ये बकरा क्या पोजीशन पे है। मैं मानता हूँ कि 8-9 महीना हो गया है मेरे पास, 8-9 महीने के हिसाब से जो रिजल्ट ये था वो भी एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, लेकिन भाई बकरा पीपी और एफएमडी में से बचा है। हाँ, उसको वहाँ से आपने 4 महीना तो हम लोगों को अपग्रेड के लिए लगता है, अपग्रेड के लिए, वो इतना वजन इतना तोड़ देता है बकरा जब पीपीआर में आता है। पर्सनली मैं भी पालता हूँ, मुझे पता है क्या होता है, 45-50 केजी के ऊपर आया था, और उसके बाद में और रिवर्स हुआ था बकरा, अभी ये बकरा माशाल्लाह 89 केजी के ऊपर है, बहुत अच्छी फ्रेम में ये है, और मतलब समझो इसके साथ में भी वही अटैचमेंट हुआ है घर के बकरे के जैसा, कभी भी मतलब ऐसा नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई आएंगे तो बिल्कुल, ये अभी रिसेंटली आया हुआ है, छोटा है, अभी साइज छोटा है, और ये बकरे का ऐसा है कि मेरे पास 19 दिसंबर को आया था, और मैंने जनवरी 4 को इसका वेट किया, ये आया था मेरे पास 30 केजी के ऊपर, और 4 जनवरी को, दिसंबर 19 से लेके 4 जनवरी तक का टाइमिंग कितना होता है, 15-20 दिन के आसपास, 6.5 केजी वेट गेन किया था माशाल्लाह, और ये अभी माशाल्लाह लेंथ भी बना रहा और हाइट भी बना रहा। ये 6.5 केजी आप जो बोल रहे हो ना, ये छोटे बकरे की साइज में बहुत होता है, बड़े बकरे में हम चलो ठीक है एक्सपेक्ट कर सकते वो आने में वेट थोड़ा, मेरी भी वाहवाही नहीं लूंगा, मेरा ऐसा है कि मेरी एक दुआ है और अल्लाह ताला कबूल करते, मैं मेहनत करता हूँ इनके पीछे, और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करता हूँ कि किसी के भी जानवर है उनको अच्छे से तैयार रखे, मेरे यहाँ पर मोर्टेलिटी ना हो, मोर्टेलिटी, और मेरे यहाँ पर जानवर जो भी आए वो गेन हो के जाए, तो मैं मेहनत करता हूँ और मैं दुआ के सहारे पे भी रहता हूँ। बकरे आपको मिस करते हैं बाड़े में जब आप नहीं रहते हो, बकरे आपको मिस करते हैं, वो देखने में आ रहा है, उछल उछल के आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं वो बकरे भी। एक्चुअली मोहब्बत होती है पहले, एक्चुअली मैं ये सब चीजों से बहुत दूर था, मतलब हाँ गल्फ में थे तो ये सब चीजें, आता था तो मैं 10-15 दिन के लिए आता था, तो 4-5 दिन मैं वर्क दे पाता था, अब मैं आया हूँ 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ इनके पास, कंटिन्यू आने के बाद में तो एक वो ज्यादा अटैचमेंट है, इनको भी लगता है कि हाँ नहीं है ये कोई दे, क्योंकि मेरा काम क्या है, आदमी स्टाफ है मेरा जो दाना डाल के जाता है, हरी पत्ती डाल के जाता है, इसके बाद में मैं ऐसा नहीं है कि मैं वहां पर ही बैठा हुआ, मेरा एक है ना दौरा होता है इसके बाद में, आधे घंटे के बाद में कि कौन से बकरे ने कितना खाया कितना नहीं, इसके बाद में फिर मैं अपने हिसाब से, मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ कि ये बकरे डेली इतना ही डालना है, ऐसा कुछ नहीं, आधा किलो ही डाल दूं या 1.25 किलो ही डाल दूं, मेरे कैलकुलेशन में नहीं बैठेगा, मैं अगर कैलकुलेटिव बन जाऊं तो फिर मैं बकरेबाजी या मैं फार्मिंग में ना पलाई नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि उसके अंदर नहीं, मैं कैलकुलेटिव नहीं, मैं उनका हक अदा कर रहा हूँ,
उनकी पेट की जितनी भूख है अल्लाह ताला ने मुझे जरिया बनाया, वो मैं पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला नवाजता है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे अगर 1 रुपया भी मिला या 100 रुपया भी मिला वो पढ़ाई में, तो मुझे लाख के बराबर है। बिल्कुल, पहली बात यही फर्क है गोट फार्मिंग में और बकरेबाजी में। हम प्रॉफिट नहीं देख रहे, गोट का प्यार देख रहे हैं, व्यूअर्स कस्टमर का जो शौक है वो जिंदा रख रहे हैं। माशाल्लाह, ये बहुत एग्रेसिव है, ये भी बकरा, ये बकरा ऐसा है कि बाहर निकालो, हाँ। आपने पीठ बता दी ना, अरे बाप रे, ये आपको छोड़ेगा छोड़ेगा, पीछे लगेगा पीछे लगेगा। ये बकरा भी आगे मेरे पास ऑलमोस्ट दो महीना हो चुका है, तीसरा महीना स्टार्ट है। और ये भी आया था यहाँ पर, बहुत बड़े फोड़ थे और पैर में ना इसके पानी भरा हुआ था, तो ऑलमोस्ट ऐसा है कि एक एक्सपीरियंस होता है ना, तो एक्सपीरियंस हम लोग ने इस्तेमाल किया और अल्लाह ताला ने इसको शिफा दी, शिफा दिया, काफी अच्छे वेट पे बहुत अच्छा दिख रहा है। मैंने 11 केजी वेट गेन किया, 11 केजी कोई मामूली बात तो नहीं है। 11 केजी फ्रेम देखो, फ्रेम दे, वही मैं फ्रेम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ व्यूअर्स को, बकरे की फ्रेम लेंथ नहीं होगा, लाइव आके देखेंगे तो अलग ही मजा है। ये देखिए फ्रेंड, ऊपर से इसकी पेटी देखिए, बकरा तो एग्रेसिव है ही, मैं दूर से कैमरा ले रहा हूँ, कुछ बात करना चाह रहा हूँ। अभी उसका टाइम हो गया जाने का, ये भी है पलाई पे ही है, 2 महीना हो गया है, ये 2 महीने में बकरे ने 9 केजी गेन किया है माशाल्लाह। और ये बकरा है, इसने 14.5 केजी गेन किया, मैंने परसों वेट किया इसलिए मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अंदाजे से बता रहा हूँ। ये आया था 43 केजी के ऊपर मेरे पास, अभी 57.5 केजी पे है, ठीक है, 27.5 केजी पे आया था, अभी 36.5 केजी पे। ये देखो, ये आपके माइंड में पूरा बैठा हुआ है कि ये बकरा इतने वेट पे था, अभी इतना वेट है, तो ये मामूली बात नहीं है मेरे लिए, किसी और के लिए भी मामूली बात नहीं, ये आपका प्यार बता रहा है वीडियो में। एज ए गोट ओनर, गोट फार्म ओनर ये होना चाहिए, गोट लवर। आप अगर पलाई पे लियो बकरा, किसी की जिम्मेदारी है तो फिर उसको आप बेखूबी मतलब निभा रहे हो, सही तरीके से जैसा होना चाहिए। नहीं, मेरा अपडेट होती है, आप लोग मेरे स्टेटस है, मेरे कस्टमर है ना, तो वो मेरे स्टेटस देखते हैं। मैं ऐसा क्या रेंडमली आता हूँ, कोई भी बकरे की वीडियो बनाता हूँ, देखो भाई ये आपका बकरा खा रहा है, ये आपका बकरा बैठा है, तो ऐसा है कि मेरे यहाँ पर 1 तारीख को तो उनको वीडियो जाती है जो वेट की और जो भी है, रेंडमली उनको है ना, मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग वो काम कर रहे हैं, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं सेटिस्फाइड करके, ताकि वो और बकरे लेके, और माशाल्लाह इतने खुश है, किसी ने एक लेके आया था तो 15-20 दिन के बाद में वो जब वो देख रहे, और उसके बाद में वो हमारे पास आ रहे, बोले भाई और 3 बकरे रखना है। बेशक आपकी जगह देखने के बाद में, आपकी मेहनत देखने के बाद में किसी का भी मन करेगा भाई मैं 1 से 2 करूं, 2 से 4 करूं। इसका नाम कैडबरी है, ये मेरा ही बकरा है और ये अदन में है, अभी ये आया था, मतलब समझो मैंने एक मंडी से उठाया था, बस कलर देख के हुए मेरे पास वीडियो आई थी किधर से, तो मैंने बोला था कलर देखा था, इसका कलर सीरो ही अजमेरा ब्रीड में है ना, बहुत एंटी ब्लैक ब्राउन एंड व्हाइट भी है, तो नाम भी कैडबरी जैसा आपने दिया उसको। और ये आया था मेरे पास 35 केजी के ऊपर आया था, और इसको लेकर 4 महीने या अभी ऑलमोस्ट 58 केजी पे, लगता नहीं है वो, कांटे पे वजन करेंगे तो तुमको पता आएगा, आएगा वजन आएगा 58 केजी पे। मैंने अभी ये भी पलाई पर है कि सेल के लिए, ये मेरा ही है आपके तो लिए, जो भी आएंगे देखेंगे लाइव में, बकरा है ना देखो यहाँ पर है, और ये भी एग्रेसिव है, मुंडा है ये, अरे बाप रे मारे तो नहीं, बाहर निकलने के बाद में फ्रेम दिखती है मेरा, एक्चुअली बाड़ा में है ना ये दीवार बनी हुई है, तो बकरे शॉर्ट दिखते हैं, जब बाहर निकलेंगे ना मैदान में, हाँ। तो आपको बकरे ना बड़े दिख के आ जाएंगे, बड़े दिख के आएंगे, तो लोगों को क्या लगता है इतने से बकरे का ये क्या है, बकरा है माशाल्लाह, कलर बहुत प्यारा है इसका, और चमक बॉडी में चमक देखो उसके, सब कुछ नहीं बेटा मैं मार रहा नहीं हूँ, मैं मार रहा नहीं, ये इसके अंदर चमक देखो बॉडी में इसकी, ये पेटा देखो, ये जो भी है बोल बोल पर, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, चलो अंदर चलो, अंदर चलो। तो ठीक है फ्रेंड, ये बकरा आरके भाई सेल के लिए रखे हुए हैं, कोई अगर शौकीन आता है, किसको पसंद आता है तो कांटेक्ट कर सकता है आरके भाई से। तो अभी मैं आरके भाई नए कस्टमर्स के लिए मैं पूछना चाहूँगा कि नए कस्टमर्स अभी अगर किसी को पलाई पे आपके पास देना है बकरा, तो क्या प्रोसेस रहेगा, कहाँ पे आप उनके बकरे रखोगे, कितने जगह है आपके पास अवेलेबल, ये सब क्वेश्चन मेरे मन में है। आपका सवाल है, मेरे पास जगह अल्हम्दुलिल्लाह 1.25 एकड़ की जमीन है, मैंने अभी तक 10 घंटा भी इस्तेमाल नहीं किया, डेली का है ना बनते जा रहे, आगे बढ़ाते जा रहे, जितने भी आएंगे
आप बेझिझक हो कि हमारे पर ट्रस्ट है, आपको भरोसा है, तो आप आपके बकरे लेके आओ। हम लोग 500% मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। 1000% अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा 1000%। अब मैं कोई चीज की गारंटी या वारंटी नहीं लेता हूँ ये चीज की, मैं तवक्कल अल्लाह पे रखता हूँ। अल्लाह ताला उनको हयाती दे, लंबी उम्र दे, अच्छे से अच्छा तैयार करे, क्योंकि लाइफ स्टॉक है। इसमें वारंटी और गारंटी लेना मीन्स एक चैलेंज वाली बातें होती है, वो चैलेंज मैं नहीं करना चाहता। मैं मेहनत करूंगा और मेरी मेहनत आप रेंडमली भी आके चेक कर तो वो आपको पता चलेगी कि हम लोग क्या कर रहे क्या नहीं। ऐसा नहीं है कि आप आने वाले फोन करे तो हमने दाना डाल दिए फिर हमने गेट खोले। हमारा ऐसा है कि आप रेंडमली आ सकते हो सुबह 10 से लेके 5 के बीच में कभी भी। मैं नहीं भी हूँ, मेरा आदमी दरवाजा खोलेगा, आपको बताएगा, मेरे फार्म का टूर कराएगा। जैसा आपने देखे रेंडमली अगर आए थे लोग, मैंने किसी को भी नहीं रोक, बिल्कुल आए, राउंड लगाए, गए खुद से। मैं किसी को, क्योंकि भाई शौक बढ़ेगा। मैं अगर दरवाजे पे मेरे कस्टमर हो या नहीं हो, जो बकरे के शौकीन हो या नहीं, अगर मैं उसको दरवाजे पे रुका के रखता हूँ तो उसका शौक कैसा बढ़ेगा, शौक कैसा बढ़ेगा, उसको ट्रस्ट कैसा आएगा। मेरा कस्टमर है और उसको मैं रखा हुआ हूँ वहाँ पर ही, तो ये आने नहीं दे, आप अंदर नहीं आने दे रहे हो, कस्टमर की इंसल्ट है। उसका शौक, उसका वो, उसको लगेगा भाई कैसा ट्रस्ट कैसा आएगा आपके ऊपर, भाई ये मेरे बकरे को सही तरीके से पालेगा नहीं पालेगा। मेरे पास आप रेंडम ऐसी कुछ भी चीजें नहीं। प्राइस की मैं बात करूंगा, प्राइस से आपका क्या पलाई, आप वीडियो पे बताओगे नहीं बताओगे? मैं नहीं बताना चाहता उसके पास। आप पर्सनली आओ, मुझे फोन करो, मैं अच्छे से अच्छा प्राइस दूंगा और अच्छे से अच्छा उसके अंदर इंक्लूडिंग सब कुछ रहेगा, कोई हाइडन चार्जेस नहीं रहेगा। खाली इतना है कि आपको दूध पिलाने का है तो उसका पेमेंट आपको एक्स्ट्रा करना, दूध पिलाने का चार्जेस एक्स्ट्रा रहेगा जी। ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये बकरा, वो हमेशा अलार्म सही बोला था आपने। ये किस भाई का बकरा, उसका नाम भी बता दीजिए। हनीफ भाई का बकरा है। हनीफ भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, हनीफ भाई आप अलार्म थोड़ा सा बंद कीजिए, बहुत डिस्टर्ब होता है वीडियो बनाने में हम लोगों को। मैं व्यूअर्स को बकरों का जो केज है, डायमेंशन है, वो भी दिखा देता हूँ। ये मारता तो नहीं है ना? मारते सब है, शरीर कोई नहीं। तो ये बाड़ा है, एक बकरी की साइज है तकरीबन 3.5x5 फुट के आसपास होगा। 3.5 इसकी चौड़ाई है, 5 फुट लंबाई है। वीडियो में आपको बहुत छोटा दिखेगा बाड़ा, लेकिन आप पर्सनली आओ ना तो आप भी देख रहे हो। नहीं दिख रहे, स्पेस है भाई, एक बकरे के लिए अच्छी खासी स्पेस है घूमने के लिए। देखो मैं अगर जब इसकी ये चीज मैं बना रहा हूँ, इतनी चौड़ाई बना रहा हूँ, मेरे को आदमियों से क्या लेना है? आदमियों से क्या? मैं यहाँ पर अगर ये करूँ, आदमी तो दो करके देख के चले जाएंगे। मैं अगर इसकी लेंथ लेता हूँ ज्यादा, लेंथ लेगा तो भाई नुकसान हमारा ही है। क्यों? बकरा ग्रिप बनाता है मारने के लिए ग्रिप बनाता है। तो यानी सिंग डैमेज कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये बाड़ा कितना छोटा है, ये देख। अगर इसको लेंथ रहेगी तो वो और फोर्स से आएगा, फोर्स से मारेगा, उसकी सिंग टूट जाएगी। बराबर वो चीज है, इसने डैमेज क्या किया यहाँ पर, डैमेज वेल्डिंग तोड़ दी, ये डैमेज किया। बराबर तो वो चीज है ना, मायने रख। मैं कैलकुलेट करता हूँ, यानी आप इतने साल से फलाई कर रहे हो तो आपको इसका जजमेंट है, अंदाजा है। अंदाजा है, तभी तो हम लोगों ने ये चीज बनाई है। यहाँ पर गोल पाइप क्यों बनाने का रीजन है, मैं स्क्वायर भी डाल सकता हूँ, स्क्वायर भी डाल सकता। ये देखो ये घस रहा है, राउंड है तो इजिली घस पा रहा है, घस रहा है। अगर ये स्क्वायर रहता तो इसके ये ना, ये सिक्का इसके अंदर रेशे गिर जाते, टूट जाते, क्रैक आ जाते, बाद में ना थोड़े टाइम के बाद में टूट जाते, कमजोर हो जाती। ठीक है, इसके बाद जैसे कि नया बकरा आता है, तो जैसे कि हमने बाकी वीडियोस में आपका देखा था, क्वारंटाइन में रहता है बकरा, 10 दिन क्वारंटाइन में रहता है, फिर आप उसको यहाँ पे लेकर आ जाते हो। उसकी वैक्सीनेशन आप कंटिन्यू सब चालू रहती है, वैक्सीनेशन जो ईयर टू महीने महीने जो वैक्सीनेशन करना रहता है। मेरे पास है 3 महीने के करीब में बकरा मेरे पास है। मेरे पास जब बकरा आता है तो उनकी वैक्सीनेशन पहले ही होती है, चाहे वो किधर से भी वैक्सीनेशन करके आया हो। यानी फिर से आप वैक्सीनेशन करूंगा ही, मैं डीवॉर्मिंग करूंगा उसको, फिर मैं उसको वैक्सीनेशन करूंगा जो PPR की स्टार्टिंग होती है, फिर उसके बाद में जो सीजन की वैक्सीन रहती है वो 21 दिन के बाद में दूंगा। जैसा भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने नए गोट्स को PPR की वैक्सीनेशन दी है, जो पुराने बकरे थे, जो ये पुराने बकरे तो ये ऑलरेडी PPR ले चुके हैं, तो इनको गोट पॉक्स का वैक्सीन। साल में 6 वैक्सीन होते हैं,
तो 6 वैक्सीन का प्रोसीजर आगे बकरा हमारे पास कंटिन्यू रहता है, तो वैक्सीनेशन प्रोसीजर होगा होता है, वो सब पलाई में इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड पलाई में, अगर 3 महीने के पहले अगर आप बकरा उठा के लेके जाते हो, तो फिर कुछ लोग आते हैं ना कि भाई बकरा सेट हो गया फिर चले जाओ, उनके लिए है ना ऐसा है कि 3 महीने के पहले आप बकरा लेके जाते हो तो आपको वैक्सीनेशन का चार्जेस देना पड़ेगा, क्योंकि उतनी कॉस्टिंग आपने करे हो बकरे पर, इतना खर्चा किए हो आपने। वैक्सीनेशन का तो प्रोसीजर हो जाता है जो है, उसके बाद में कुछ लोग है, मैंने एक नई मुहिम चालू किया जो होती है क्या भाई, आपके पास बीमार बकरे भी है तो आप नहीं पाल रहे उनको सही ढंग से, या आपसे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, आप बकरे लेके आओ मेरे पास, मैं ट्रीटमेंट करूंगा, आपको रिटर्न लेके जाना है बकरे आप रिटर्न लेके जा सकते हो, लेकिन जो इलाज का पैसा हुआ वो आप देना पड़ेगा, यानी कि नॉर्मल वेटनरी हॉस्पिटल जैसा। यस, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास प्रॉपरली डॉक्टर है, वो जो भी हम लोग वो करें, जो भी चार्जेस हुआ, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं सेवा करने बैठा हूँ, इसमें सेवा नहीं होती, क्योंकि दवाइयाँ महंगी आती है, तो वो ट्रीटमेंट का पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर आपको कंटिन्यू रखना है बकरा हमारे पास ही पलाई पे, तो हमारे पास पलाई पे रख दो, तो फिर हम लोग वो जो चार्जेस है हम लोग वो ऐड नहीं करें। जो अगर आए हुए बहुत सारे बकरे, जैसा मैंने आपको वहाँ पर बताया कि कुछ बकरे आए हुए ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो उनका वो एक्स्ट्रा नहीं, पलाई के अंदर इंक्लूड। लेकिन अगर आप लेके जाना चाह रहे हो तो उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। जो भी होगा खर्चा हम लोग आपको बता देंगे कि इतने इतने टाइम पे इतना ये लिया, ये इतना इतना चार्जेस हुआ है, और ये जो भी हमारे मेहनत का पैसा है, जो भी 200, 300, 400 जैसा भी होता है, वो एक्स्ट्रा दवाई का कितना लगा सब कुछ हम लोग बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब फीडिंग की मैं बात करूं तो पलाई पे जो जो बकरे हैं उनको फीडिंग में कैसे क्या दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है? पहली तो बात देखो, मैं कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं दे रहा हूँ, हाँ इतना है कि एक्स्ट्रा में मेरी मोहब्बत जा रही है और मैं कैलकुलेटिव नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। फीडिंग में ऐसा है कि हरी पत्ती चलती है, हरी पत्ती कंटिन्यू, मकई है, मकई मेरे यहाँ पर अक्की नहीं दी जाती, वो टुकड़ा करके मैं देता हूँ, मेरे पास मशीन लगी हुई है, तोड़ के देता हूँ टुकड़ा करके, उसके अंदर थोड़ा सा मिनरल मिक्सचर होता है वो डालता हूँ, शाम होते होते फिर टाइम आ जाता, पानी तो 3 से 4 टाइम चलता ही है, टाइम आ जाता है तो शाम होते तो गोदरेज के पैलेट्स है जो मैं एक एक मुट्ठी डालता हूँ, उससे ज्यादा देने का उसका सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि वो पेट भरने के लिए नहीं, वो ताकत के लिए होता है, वो वेट गेन के लिए होता है, या जो भी है जैसा है, वो देने के बाद में अच्छा रिजल्ट मिलता है। फिर रोज शाम में, फिर शाम में जाते वक्त जब 8-9 बजे मैं घर में निकलने के लिए तैयारी करता हूँ, तो वापिस आता हूँ, एक एक मुट्ठी मेथी के दाने डाल के जाता हूँ, ये क्लाइमेट अलग है, क्लाइमेट, और उसके बाद में फिर वापिस से मैं देखूँ तो सोयाबीन का भूसा, तो दिन में 4 से 5 टाइम हम लोग ये थोड़ा थोड़ा करके फीड चालू करते हैं। अगर मैं कैलकुलेट करूं इसके अंदर तो मेरे को कुछ भी नहीं बच रहा है, अगर मैं नहीं कैलकुलेट करूं तो मेरे लिए बहुत कुछ बच रहा है। तो ये हो गई फीडिंग की बात, इसके अलावा जो हेयर कटिंग, खुर कटिंग, ये सब जो आता है वो सब भी इंक्लूडेड है पलाई इंक्लूडेड में? इंक्लूडेड है, डॉक्टर चार्जेस भी नहीं लेंगे, खुर कटिंग का पैसा भी नहीं लेंगे, बाल कटिंग का पैसा भी नहीं लेंगे, हाँ अगर आपके बकरे की सींग अंदर घुस रही है तो वो भी काट के देंगे, उसका भी पैसा नहीं लेंगे हम लोग, वो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, कोई आइडन चीजें नहीं है, यानी कि बकरा आप छोड़ो, टेंशन छोड़ो, आप बकरा छोड़ दो आपका समझ के, ये हमारे पास आ गया तो ये हमारा हो गया, लेकिन हमारा मतलब आपका ही बकरा, आपका ही बकरा, ऐसा नहीं कि मैंने कब्जा कर, यानी कि उसका जब पालन पोषण जो होगा, पलाई होगी, वो आपकी आपके बकरे की जैसी होगी, मैं उसको अलग नहीं समझूंगा, ये बकरा किसी और का तो मैं उसको अलग नहीं समझूंगा, ये बकरा मेरा है तो मैं इसको ऐसा नहीं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है। यही फर्क है आरके में और दूसरे फार्म वालों में, मैं जो देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, यही फर्क है। ठीक है, वो चीज है, चलना चाहिए, मोहब्बत रहना चाहिए, कैलकुलेटिव नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटिव आप हो जाओगे तो आप है ना बहुत सारी चीजों को ये करेंगे, और इसके अलावा मैं ऐड और एक करूंगा, क्या लोग बाद में पूछेंगे भाई कैल्शियम देता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं, एक वक्त आना चाहिए, वो वक्त पे देता हूँ, लिवर टॉनिक देता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे क्यों नहीं देता हूँ मैं, इसका रीजन भी ये बताता हूँ, लिवर टॉनिक है ना, हम अगर कंटिन्यू देते तो जानवर उसका यूज टू हो जाता, फिर उसको सही में जब लीवर टॉनिक की जरूरत पड़ती है ना, अब जब हम देंगे ना तो वो उसको असर नहीं करेगी, तो फिर उसके लिए हमारे को हाई लेवल की इंजेक्शन लाना पड़ेगी, तो जब वक्त है वो वक्त पे दो लीवर टॉनिक तो बेस्ट होता है, जैसा प्रोसीजर डीवॉर्मिंग होती है तो डीवॉर्मिंग के बाद में 7 दिन कंटिन्यू लीवर टॉनिक देना चाहिए, वो बेस्ट चीज है। हाँ बकरा कभी कभार लेना नहीं खा रहा है, कम ज्यादा कर रहा है, तो कभी लीवर टॉनिक दो, तभी उसको 3-4 दिन के प्रोसीजर में रखो, वो बेस्ट होता है। तुम बोलोगे कि डेली बेसिस पे लीवर टॉनिक दो, ये मैं भी सीख रहा हूँ, मैं सीख के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, पहले मेरी भी थिंकिंग थी कि हाँ डेली का 10 ml लीवर टॉनिक देना चाहिए, लेकिन मैं सीख रहा, अपग्रेड हो रहे,
लीवर टॉनिक अगर देना भी है आपको तो पानी में डाल के मत लो, डायरेक्टली 10 ml वो डायरेक्ट सिरिंज से डायरेक्ट 10 ml उसके मुंह में डालो, पानी में आप डालोगे तो कोई यूज का नहीं वो। और लीवर टॉनिक देने के फौरन बाद भी आपको पानी नहीं देना है। हाँ, वो काम करे ताकि तो वो चीज, सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखती है। और मैं छुपाता नहीं हूँ, लोग सोचते कि भाई हम लोग इसमें खिलाड़ी और छुपा के रहो, भाई कोई खिलाड़ी नहीं। मैं अगर इल्म बांटूंगा तो इल्म मेरे पास और इजाफा करेगा, ये मेरी थी। बिल्कुल तो मैं इल्म बांट रहा हूँ तभी तो मेरे पास इजाफा हुआ है कि कुछ नॉलेज आई है। ये भी मैंने कुछ लोगों से सीखा हूँ और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। और मेरे पास जो डॉक्टर है, जो वेल सर्टिफाइड डॉक्टर है, जो ऑलमोस्ट वो और उनकी बीवी भी डॉक्टर है, वेटरनरी में बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छी राय दी है। जब से वो डॉक्टर मेरे फार्म पे आए हुए हैं तो मतलब अल्लाह ताला ने उनके जरिए बकरों में चेंजेस बहुत आया हुआ है, चेंजेस दिख रहे हैं। तो वो चीज़ मैं उनसे सीखा हूँ तो उन्होंने ये बताया कि भाई ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। बिल्कुल, लोग कंसल्टेंसी चार्जेस लेते हैं कि भाई हाँ फोन किए तो भाई ये चीज़ नहीं। मेरे को आप लोग कभी भी फोन करो, मैं कोई चार्जेस नहीं, गाइड करो। अगर व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हूँ, मैसेज देखूंगा मैं आपका, जरूर रिप्लाई दूंगा। नहीं है फोन पे, अगर मिस कॉल हो गया तो मैं कॉल जरूर करूंगा और आपको रिप्लाई दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है। ये तो पलाई का हमने देख लिया, अंडुल की पलाई जी। खस्सी में भी पलाई में आप कर रहे हो, खस्सी की भी पलाई कर रहे हो ना? अभी मेरे पास है ना सिर्फ दो ही बकरे हैं, वो मेरे खुद के है। वो इंशाल्लाह बताना है कि नहीं हमारे पास खस्सी भी बनते हैं, उसके लिए मैंने लाके रखा हूँ। क्योंकि लोगों की सोच है कि भाई आरके गोट फार्म पे सिर्फ अंडू ही बकरे बढ़ते हैं, तो तकरीबन आपने पूरा फार्म देखे 100-150 बकरे के ऊपर है जो भी है, तो अंडू है मैक्सिमम। तो ठीक है, वो दो खस्सी बकरे भी हम दिखा देंगे वीडियो में लोगों को। चलो बता देते हैं, क्योंकि वो भी अलग से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पे रखे हुए है। क्योंकि मेरी एक सोच है कि ये अगर बकरा पानी पीता है ये बकेट में, तो ये बकरा वो बकेट में पानी नहीं पीना चाहिए। अच्छा, तो ये मेरी नई सोच है इंशाल्लाह। वो बकेट्स हम लोगों के डिफरेंट है, अभी और मैंने 100 बकेट्स का ऑर्डर दिया हूँ। जब वो आ जाएंगे, आप नेक्स्ट ट्रिप पे रहोगे तो वो चीज़ नई इम्प्लीमेंट दिखेगी आपको। ठीक है, तो खस्सी बकरों का आपका बाड़ा देख लेंगे हम लोग। और वो भी ऐसे ही केजी है, ठीक है, वो भी देख लेते। चलिए तो फ्रेंड, ये देख रहे हैं हम खस्सी का बाड़ा है, इंडिविजुअल खस्सी को भी इंडिविजुअली रखा हुआ है। अभी फिलहाल तो हम लोगों ने खस्सी को इंडिविजुअली रखे हुए, तो समझ लो हम लोग वो एक हमारा मतलब लोगों के पास है कि हमारे पास खस्सी नहीं आता। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई इनको अलग से रख के एक एक्सपेरिमेंट भी है। ये मेरे दोनों बकरे आपके ही बकरे। हाँ, तो मैं अपने बकरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि भाई अगर इंडिविजुअली रखते हैं खस्सी तो वो कैसे रहते हैं। इनको दिन में छोड़ा जाता है, बाहर घूमते हैं, लेकिन खाने के टाइम पे ये खुद ब खुद आते हैं बाड़े में, चढ़ जाते हैं। क्या रिजल्ट आएगा वो आप देखोगे। हाँ, तो हर बकरे को ऐसा नहीं है कि ये केज में, तो केज में पड़े हुआ रहे। तो हम लोग दिन में 8-10 बकरे निकालते हैं, हमारे पास बाहर खूटे हैं, खूटे के ऊपर बांधते हैं, वो उनकी एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज होने के बाद में ना फिर एक एक करके मैदान में छोड़ते हैं कि वो भागे। वो भी खूटे पे जब बकरा बाहर गोल गोल घूमता है वो ऑलमोस्ट एक्सरसाइज हो गई, जब मैदान में भाग रहा है वो एक्सरसाइज हो गई, ये वापिस से चले जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि व्यूअर्स खस्सी भी आपके पास पलाई पे लेकर आए इंशाल्लाह। पहले हमारा रिजल्ट देख लो खस्सी का। नहीं, रिजल्ट तो आएगा इंशाल्लाह, बकरों में अंडुल बकरों में रिजल्ट आ रहा है तो खस्सी में भी आना ही जरूरी है, आएगा इंशाल्लाह जरूर। और इसके अलावा लास्ट पार्ट जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, स्विमिंग पूल के बारे में, बकरों का स्विमिंग पूल भी आपने बनाया है। एक्चुअली वो काम के लिए मेरे को बहुत ज्यादा डिले हो गई, क्योंकि मेन जो चीजें थी ना वो करने की थी। जब आप आए तो मैं वहाँ पर काम ही करा रहा था, लेकिन पाइपलाइन का, तो वो पाइपलाइन का काम हो चुका है। अभी इंशाल्लाह हमारा तवज्जो स्विमिंग पे, वो हो गया था यार, सिर्फ उसके अंदर है ना प्लास्टर करना है और नीचे से उसकी कॉन्क्रीटिंग भी हो गई है, उसको लेवलिंग करना है, पानी की लाइन लग गई है, सब कुछ हो गया है। अब वो खाली बस प्लास्टर करने के बाद में वो तैयार हो जाएगा। तो वो इंशाल्लाह जब अभी ये क्या है जनवरी है, फरवरी मार्च में जब गर्मी बढ़ेगी तब मजा आएगा। क्योंकि तब बकरों को मतलब उसके अंदर छोड़ दिया जाएगा स्विमिंग पूल में एक प्रॉपरली वे से छोड़ दिया जाएगा ताकि वो स्विमिंग करे। इतने बकरे ना तैर लेते। अच्छा, जो यहाँ से वापस जाते हैं और हम लोग भी साथ में रहेंगे वापस निकलने के बाद। यानी हाइट उतनी रहेगी कि बकरे स्विमिंग कर सके कि चलेंगे। हाइट नहीं है, इतनी हाइट पे ही है। इतनी हाइट का रहेगा, तैर लेते। लेकिन बकरा है ना इतना तैर लेता है, उनमें कैपेबिलिटी होती है। तो हम लोग साथ में वैसे भी रहेंगे, कि हमारे पास हमारे दिमाग में मैं कुछ देख के आया हूँ, सीख के आया हूँ वो चीज वो करूंगा इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं बकरा बाहर निकलेगा, बाहर निकलने के बाद में वहाँ पर वो वॉशरूम की तरफ वहाँ पर शावर है, उसके आंग पे शावर की साबुन बिबुन लगा के उसको अच्छे से नहला धुला के
फिर मैदान में थोड़ा छोड़ दिया जाएगा, तो एक वो देखने का मजा ही कुछ और। मैं चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द तैयार हो, मैं आके बकरों को स्विमिंग करते हुए देखूं। नहीं चलो वो देखेंगे, तो मैंने पर्सनली देखा हूँ कहीं पे, मैं गल्फ से आया हूँ तो कहीं पे किसी के फार्म पे देखा था वहाँ पर। अच्छा, तो वो चीज मजा, यानी फर्स्ट, यानी इंडिया में फर्स्ट कंसेप्ट रहेगा आपका बकरे का स्विमिंग पूल, किसी और के पास ये आइडिया नहीं रहेगा। सकता है कि आइडिया रहे भी किसी के पास, कोई आया नहीं रहे, लेकिन मेरे तरफ से मेरे फार्म पे तो पहली टाइम पे मैं कर रहा हूँ और अल्लाह ताला उसमें भी कामयाबी दे। इसमें एक्चुअली क्या आएगा मालूम, स्किन डिजीज नहीं होगी, स्किन डिजीज जब हम लोग पानी डालेंगे इसके अंदर, तो हम लोग वो भी लिक्विड डालेंगे जो स्किन, हाँ, स्किन के अंदर जो जू रहती है, जो पिस्सू रहते हैं, वो भी निकल जाएंगे, वो भी हम लोग दवाई इसके अंदर डालेंगे, तो वो हिसाब से जो मुंह में भी जाने के बाद में हार्मफुल नहीं हो, हार्मफुल नहीं, तो ऐसी बहुत सारी दवाई है, तो वो डाल के ताकि वो पिस्सू और ये सब चीजों का ना प्रॉब्लम हो। हालांकि मेरे फार्म पे अभी बिल्कुल नहीं है ही नहीं, और ना पिस्सू है ना जू है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे सफाई देखो नहीं है, क्लीनिंग है बाड़ों के नीचे भी, और ये ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि इसके अंदर से मैं जाके आराम से जाके ये क्लीनिंग कर, साफ सफाई कर, सफाई करके आराम से, तो वो चीज होती है। तो हाँ, इसके अंदर बकरे गंदे नहीं, आप मैक्सिमम आपने बकरे देखे रहेंगे मेरे, साफ है, रीजन ये है साफ है। हर दूसरे दिन, अभी आज सफाई हो रही है, डेली सफाई होती है, अभी हर दूसरे दिन हम लोग चूना मारते हैं, चूना मारते, तो चूना पे तो जो भी है लकड़ी के ऊपर भी है, चलो ये नया बाड़ा है, लकड़ी के ऊपर भी गंदगी है, तो चूना है ना सक कर लेता, निकाल देता, वो जानवर के आंग पे बैठने नहीं देता, या हो सकता है कि उसके अंदर कोई वायरस रहेगा या जो भी रहेगा, कोई जर्म्स है, तो वो फैलने नहीं देता, खत्म हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है, आज का पलाई का जो वीडियो है वो यहीं पे हम ख़त्म करेंगे, और व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार, अगर आप पलाई पे आपका बकरा कहीं और भी है, दूसरी जगह पे भी है, तो एक बार आरके भाई को ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह रिजल्ट आना ही आना है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। आरके भाई तो नहीं देंगे गारंटी बकरों का वेट गेनिंग का, पर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके बकरों का रिजल्ट आना ही आना है इंशाल्लाह। और चलिए आरके भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के लिए, यहीं पे वीडियो को ख़त्म करेंगे, और वीडियो फ्रेंड्स व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।